अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों वेलकम करता हूं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि IBCC का आज इजलास था जिसका हतमी फैसला आ गया है, तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको वो अपडेट दूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा, पहले आपने न्यूज़ देखनी है, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन हो तो मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई दूँगा। तो ये हम न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आपने देख के उसके बाद आंसर करना है। क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तहान के हिसाब किताब लगाया गया, उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है। तो इसलिए हमें वो एक पूरा एक स्टेटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई करके और उसमें ये फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। और ये जो 3% इजाफा है ये पुराने इम्तहानात के सारे जो हिसाब किताब लगा के उसमें देखा गया कि ये 3% इजाफा जो है ये कंसिस्टेंट है स्टेटिस्टिक से कि 12वीं का रिज़ल्ट और 10वीं का रिज़ल्ट 9वीं और 11वीं के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी, उसके बाद एक और कैटेगरी है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 40% सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं 9वीं में और 11वीं में, उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे, उनको और कुछ नहीं ग्रेड नहीं किया जाएगा, पासिंग मार्क्स दे दिए अप टू 40%। यानी कि जो टोटल इम्तिहान है उसके 40% मजामीन में अगर कोई फेल होता है तो उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे 9वीं और 11वीं के बुनियाद के। उसके बाद आ जाती है जी कुछ कैटेगरीज रह जाती हैं ऐसी जो कि इस सारे फार्मूले में फिट नहीं करती। वो कैटेगरीज क्या है? ऐसे लोग जो कि अपने 11वीं के इम्तिहान पे सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो समझते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम 12वीं के इम्तिहान में अपनी ग्रेड को मज़ीद इम्प्रूव जो है वो कर सकते थे। एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी ये हो थी कि जिन लोगों ने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था लेकिन वो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे 12वीं का और उनके पास 11वीं का रिज़ल्ट रिलाई करने के लिए नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी वो थी जो चंद मजामीन में इम्तिहान देना चाहते थे, मसलन कई लोग हैं जो मेडिकल से इंजीनियरिंग में आके मैथमेटिक्स के इम्तिहान देना चाहते हैं और वो सारा इम्तिहान नहीं दे रहे थे, वो चंद मजामीन में इम्तिहान दे रहे थे। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो 40% से ज़्यादा मजामीन में फ़ेल हो गए थे, यानी कि वो पास मार्क्स की उसमें नहीं आते। तो इन चार कैटेगरीज़ के लिए हमने फैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा क्योंकि ये थोड़ा नंबर होगा और ये इम्तिहान हालात के मुताबिक सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। सो मैं फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, ख़ास तौर पे बच्चे हमारे देख रहे हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम्स किन के लिए होगा। नंबर वन, जो अपने ग्रेड जो उनका क्लास 11 का रिज़ल्ट है जिसकी बुनियाद पे उनको यूनिवर्सिटी में जाना है और बाकी क्योंकि 12वीं का इम्तिहान नहीं हो रहा तो उनको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको मौका मिलेगा कि वो एक और इम्तिहान में बैठ सके, लेकिन ये थोड़ी कैटेगरी होगी, थोड़े लोग। दूसरे वो कि जो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे और उसमें कई प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं जो एक साथ ही 12वीं का इम्तिहान दे रहे थे और उनके पास 11वीं का रिज़ल्ट नहीं है, वो हो गए। तीसरा कि जो चंद सब्जेक्ट्स का इम्तिहान दे रहे थे। और चौथा वो कि जो 40% से भी ज़्यादा फेल हो गए थे तो उसमें उनको एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो
इम्तिहान का ट्रांसक्रिप्ट होगा 12वीं का, उसमें टोटल सब्जेक्ट्स टोटल नंबर दिए जाएंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। जो उनके 11वें के टोटल नंबर हैं उनमें 3% ऐड करके वो उनका रिजल्ट जो है वो उसका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। और ये इसलिए किया गया है कि बोर्ड उसमें लिखेंगे कि हमने पुराने हिसाब के मुताबिक अंदाज़ा लगाया है कि ये बेस्ट प्रेडिक्शन है उनकी परफॉर्मेंस, ठीक है जी। जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा लेना है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 1 जुलाई तक इंडिकेट कर दें अपने अपने बोर्ड्स को कि हम स्पेशल इम्तिहान देना चाहते हैं। यानी कि ये तकरीबन 29 बोर्ड हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि ये इतने कम बच्चे होंगे कि उनको सेपरेट करके, लेकिन फिर भी ये फैसला बाद में होगा सितंबर और नवंबर के दरमियान कौन सा पीरियड है जिसमें हम हालात का जायज़ा लेके ये स्पेशल एग्ज़ाम। मेरा ख्याल है क्लियर तो है, लेकिन एक दफ़ा मैं अगर थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूँ कई दफ़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो पहली बात कि जिन्होंने 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया वो सारे प्रमोट हो गए, ठीक है, उसमें प्राइवेट भी हो गए, उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी हो गए, ठीक है जी। जो प्रमोट हुए अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, वो अपना 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे और उसकी बुनियाद पे उनका 11वीं का रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी वो है कि जिन लोगों ने सारे मजामीन 9वीं के और 11वीं के पास किए हैं उसकी बुनियाद पे उनको 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाए और 10वीं का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन उसमें 3% मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तिहान जो है उसमें रिज़ल्ट बेहतर होता है 9वीं और 11वीं के मुकाबले। और जिन्होंने 40% मजामीन में फेल हुए हैं उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। और आखिरी कैटेगरी वो है कि जो इम्तिहान लेना चाहते हैं, और उसमें 4 कैटेगरीज हैं, जो समझते हैं कि हमारा रिज़ल्ट बुरा है 11वीं का, हम अपना रिज़ल्ट बेहतर करना चाहते हैं, दूसरा वो कि जो 40% से ज़्यादा मजामीन में फ़ेल हो गए हैं, जो कंपोजिट एग्ज़ाम दे रहे थे जिसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स भी हैं, या चंद मजामीन में जो 2 या 3 मजामीन में इम्तिहान सेपरेट इम्तिहान। वेलकम बैस दोस्तों, जिस आपने न्यूज़ सुन ली होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे, सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताता हूं कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि 9वीं क्लास 10वीं में प्रमोट हो जाएगी और 11वीं क्लास 12वीं में प्रमोट हो जाएगी, और एक जो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं कि 9वीं और 10वीं में जब प्रमोट होगी 9वीं क्लास तो 10वीं में पेपर देंगे। तो अभी उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया है कि 9वीं क्लास जो 10वीं में प्रमोट होगी वो पेपर जाके 9वीं के नहीं देगी 10वीं में, वो सिर्फ़ और सिर्फ 10वीं के पेपर देगी। इसके अलावा 11वीं क्लास जो 12वीं में प्रमोट होगी वो जाके 12th के पेपर देगी। तो 12th के 12वीं की रिज़ल्ट की बुनियाद पर उसको 11वीं के नंबर दिए जाएंगे और उस नंबर में 3% ज़्यादा थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा नंबर देंगे। तो इसी तरह 9वीं को जो 10वीं की बुनियाद पर दिया जाएगा और उसमें उन्होंने ग्रेस मार्क्स भी रखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, इसके अलावा सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स का जो कन्फ्यूज़न है वो भी। तो इस वीडियो के नीचे जो भी आपके क्वेश्चन हो जो भी हो तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं, इंशाल्लाह उस नेक्स्ट वीडियो में मैं रिप्लाई देने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह जो नई अपडेट आती है लम्हा मैं आपको बताता रहूँगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।